कश्मीर के विधायक जावेद राणा के बयान की देवबंदी उलेमा ने कड़ी निंदा की। देवबंदी उलेमाओं ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि तिरंगे की कीमत उन जवानों से पूछिए जो तिरंगा लेकर बॉर्डर पर जंग लड़ रहे हैं। देवबंदी उलेमाओं ने जावेद अहमद राणा के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की भी बात कही। कौशाम्बी में राज्य के पशु चिकित्सालय की चीफ वेटनरी अधिकारी ने अम्बावा पूर्व गांव में ग्राम विकास अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाया है, जिससे जिले का पूरा प्रशासनिक अमला सख्ते में आ गया है। दलित अधिकारी सीमा का आरोप है कि दलित होने के चलते पीने के लिए पानी नहीं दिया गया। वहीं ग्राम विकास अधिकारी ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है। उत्तर प्रदेश में बारिश और नदियों ने पहले ही कहर बरपा रखा है, लेकिन मौसम विभाग ने फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 3 अगस्त तक यूपी के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है, जिसमें खासतौर पर पूर्वी यूपी के जिले फतेहपुर के खेलदार मोहल्ले में बारिश की वजह से कच्चा मकान गिर गया। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 महिलाओं को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। शामली के शेख जादगान मोहल्ले में बारिश की वजह से एक मकान गिर गया। मकान गिरने से एक महिला घायल हो गई, जबकि उसके बच्चों ने भागकर जान बचाई। हादसे के फौरन बाद पड़ोसियों ने महिला को मलबे से बाहर निकाला, अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल महिला की हालत खतरे से बाहर है। नरोरा बैराज से 1,30,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसने शाहजहांपुर में बाढ़ के संभावित खतरे को बढ़ा दिया, और इस खतरे ने जिला प्रशासन की धड़कनें बढ़ा दी। इसी के चलते जिले के अफसरों ने बाढ़ संभावित इलाकों में डेरा डाल दिया। जायजा लेने निकले अधिकारियों ने परवाही बरतते हुए एक लेखपाल और एक सेक्रेटरी को सस्पेंड कर दिया। गाजीपुर में डीएम ने गंगा नदी से सटे कई इलाकों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सेमरा में गंगा किनारे बनाए गए घरों, लोगों की आबादी की जानकारी ली। साथ ही बाढ़ से हो रहे नुकसान को कम करने के लिए नदी किनारे पैचिंग कराने के निर्देश भी दिए। बरेली के कई इलाकों में बारिश का पानी भरने से काफी परेशानी हो रही है। हालात इतने खराब हैं कि डीएम हुआ है। इसके अलावा जिला अस्पताल में भी पानी भर गया है। इससे बीमारी फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। फतेहपुर जिले के बकेवर क्षेत्र में बारिश का पानी पवार हाउस में भर जाने से पवार हाउस में करंट उतर आया, जिसके बाद कर्मचारियों ने बिजली की सप्लाई बंद कर दी। पावर सप्लाई बंद होने से इलाके के करीब 50 गांव अंधेरे में डूब गए। नाव के माखी गांव में बारिश का पानी भरने से गांव के लोग परेशान हैं, और समस्या का समाधान न होने पर नाराज ग्रामीणों ने चकलवंशी चौराहे पर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को शांत करवाकर जाम खुलवाया। हसनी कुंड और ताजेवाला बांध से पानी छोड़ा गया है, तो इसका असर अब मथुरा में दिखाई देने लगा है। यमुना में बढ़ते जलस्तर से निचले इलाकों में बसी कॉलोनियों में पानी घुस रहा है, और लोगों को मजबूरी में पलायन करना पड़ रहा है। कॉलोनी में इतना पानी भर गया है कि युवक को बचाने के लिए प्रशासन को रेस्क्यू करना पड़ा। समाजवादी पार्टी के एमएलसी घनश्याम सिंह लोधी ने पीएम को अपने खून से खत लिखा है। समाजवादी पार्टी के नेताओं का आरोप है कि यूपी सरकार आजम खान को निशाना बना रही है, लिहाजा पीएम इस मामले में दखल दें। समाजवादी पार्टी नेताओं ने साफ किया है कि जब तक पीएम मोदी उनके खत का जवाब नहीं देंगे, वो इसी तरह खून से लिखा खत भेजते रहेंगे। मेरठ में 50 दलित परिवारों ने धर्म परिवर्तन की धमकी दी। दलित परिवारों का आरोप है कि उनके क्षेत्र में बने मंदिरों में उन्हें पूजा करने से रोका जा रहा है। दलित परिवारों का कहना है कि पुजारी उन्हें हिंदू नहीं मानते, और इसी वजह से उन्हें मंदिर में जाने से रोका जाता है। आगरा के हरी पर्वत इलाके में सिर्फ 20 रुपए को लेकर जमकर लात घूंसे चले। मामला चर्च रोड का है, जहां खाना खाने के पैसे को लेकर होटल मालिक और ग्राहक आपस में भिड़ गए, जिसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। करीब एक घंटे तक दोनों पक्षों के बीच ड्रामा चलता रहा और मौके पर भीड़ जुट गई। पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। फर्रुखाबाद में अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। पुलिस ने जहां कई ड्रम शराब बरामद की है, वहीं लोगों को हिरासत में भी लिया है। भारी मात्रा में अल्कोहल और पैकिंग करने की मशीन भी मौके से बरामद की गई है। गोरखपुर पुलिस ने शराब का ट्रक लूटने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए 3 आरोपी संतकबीर नगर, जबकि एक आरोपी हरियाणा के रोहतक का रहने वाला है। शराब से भरा ट्रक 3 जुलाई को सहजनवा थाना क्षेत्र के कालेसर टोल प्लाजा के पास लूटा गया था। चित्रकूट पुलिस ने डकैत गोप्पा यादव उर्फ रामगोपाल यादव गैंग के हथियारों का जखीरा बरामद किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 3 बंदूक एक
हैंड ग्रेनेड और 135 जिंदा कारतूस बरामद किए। इसके अलावा पुलिस ने गैंग के एक सदस्य को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि पकड़ा गया शख्स गोपा यादव गैंग का आखिरी सदस्य है। बिजनौर पुलिस ने 5000 का इनामी शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस ने मुखबिर से मिली जानकारी के बाद आरोपी शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। पीलीभीत में बैंक खातों से फर्जी आधार कार्ड लिंक कराने के बाद रुपए निकालने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 3 ठगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरोह का सरगना रिजवान बरेली के रिठौरा में IDFC और बैंक ऑफ बड़ौदा का ग्राहक सेवा केंद्र चलाता है। पुलिस ने बताया कि दोनों बैंकों के कुछ कर्मचारी भी ठगों के इस गैंग में शामिल हैं। बलरामपुर में पुलिस ने लूट और चोरी के 25 मोबाइल बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक करीब 150 लोगों ने मोबाइल चोरी की शिकायत की थी, जिसमें से 25 फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस ने आगे भी अभियान जारी रखने का दावा किया है। बदायूं में बेकाबू रोडवेज बस ने बाइक सवार 3 लोगों को कुचल दिया। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी बस ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। सहारनपुर के कलसिया रोड पर बेकाबू पिकअप ने एक ई रिक्शा को टक्कर मार दी। हादसे में ई रिक्शा के परखच्चे उड़ गए, जबकि पिकअप गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बदायूं पुलिस ने एक पिता को बेटी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। मामला फैजगंज बेहटा इलाके का है। दरअसल 19 जून को जंगल में युवती का शव मिला था। पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि सर्वेश ने भांजे से अवैध संबंध के शक में अपनी बेटी की हत्या कर दी। आरोप है कि सर्वेश ने हत्या के लिए जगदीश नाम की बदमाश को सुपारी भी दी थी। नोएडा पुलिस ने 13 साल की बच्ची से रेप के आरोप में 2 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। बच्ची निठारी गांव की रहने वाली है। जिन नाबालिगों पर आरोप लगा है वो बच्ची के पड़ोस में ही रहते हैं। आरोप है कि करीब 1 महीने पहले दोनों ने बच्ची को निशाना बनाया था। झांसी पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर संजय वर्मा पर जानलेवा हमले के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 21 जुलाई को संजय वर्मा पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। इस हमले में संजय वर्मा के गनर की मौत हो गई थी, जबकि 3 लोग घायल हुए थे। अमरोहा के अदरासी टोल पर एक बार फिर खाकी की दबंगई देखने को मिली। यहां क्राइम ब्रांच के CEO कुलदीप कुकरेती ने टोल टैक्स कर्मियों की पिटाई कर दी। मामले का CCTV फुटेज भी वायरल हुआ है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह CEO टोल कर्मी की पिटाई कर रहे हैं। हालांकि जी मीडिया फुटेज की पुष्टि नहीं करता है। इलाहाबाद में सैकड़ों ANM ने CMO ऑफिस के बाहर धरना दिया। आरोप है कि CMO ऑफिस में भ्रष्टाचार फैला हुआ है और घूस न मिलने पर न तो प्रमोशन किया जा रहा है और न ही बोनस दिया जा रहा है। ANM संगठन ने साफ किया है कि जब तक भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं होती तब तक आंदोलन चलता रहेगा। गाजीपुर में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर शिक्षकों और कर्मचारियों ने जन जागरण सभा की। शिक्षकों ने साफ किया कि अगर पेंशन बहाल नहीं की गई तो आने वाले दिनों में आंदोलन तेज किया जाएगा। सहारनपुर के शेख उल हिंद महमूद हसन मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने धरना देकर नाराजगी जताई। कर्मचारी 4 महीने से सैलरी न मिलने की वजह से परेशान हैं। कर्मचारियों ने मांग पूरी होने के बाद ही काम पर लौटने की चेतावनी दी है। मुजफ्फरनगर के चरथावल कस्बे में छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान बाइक से गुजर रहे दंपति इस लड़ाई की चपेट में आ गए, जिसमें महिला और उसके बच्चे को चोट लग गई। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं छात्रों के 2 गुट पुलिस के पहुंचने से पहले मौके से फरार हो गए। बस्ती में DM ने निर्माणाधीन कलेक्ट्रेट भवन का जायजा लिया। इस दौरान निर्माण काम में कई खामियां पाई गई, लिहाजा DM ने कार्यदायी संस्था को DM ने काम की क्वालिटी में सुधार करने का आदेश दिया। कांवड़ मेले के चलते मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन ने कई रूट डायवर्ट कर दिए हैं। इसके बाद मुजफ्फरनगर से हरिद्वार जाने वाले यात्रियों को अब 2 गुना किराया देना पड़ेगा, जबकि 100 किलोमीटर तक की लंबी यात्रा भी करनी पड़ेगी। मेरठ से बजरंग दल के कार्यकर्ता राम मंदिर की मनोकामना लिए कांवड़ लेकर जाने की तैयारी कर रहे हैं। करीब 400 शिव भक्त बजरंग दल कार्यकर्ताओं का जत्था ये बड़ी कांवड़ लेकर हरिद्वार से मेरठ आएगा। फिलहाल इनकी भव्य कांवड़ दिल्ली से बन रही है। गाजीपुर में DM ने स्वच्छता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसका मकसद सफाई को लेकर लोगों को जागरूक करना है। प्रशासन ने 2 अक्टूबर तक जिले के सभी गांवों को खुले में शौच मुक्त बनाना है। महोबा में बच्चियों ने सामाजिक जागरूकता रैली निकाली। इस रैली को DM और SP ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली का मकसद महिला सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक करना था। रैली में स्कूली बच्चियों के अलावा महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। उत्तराखंड में राजकीय शिक्षक संघ का आंदोलन जारी है, जिसको लेकर आज फिर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। आज जहां सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी तो बुधवार को भी इस मामले में सुनवाई होगी, जहां कोर्ट ने शिक्षकों से उनका पक्ष जाना था और सरकार से पूछा था कि वो बताएं शिक्षक हड़ताल पर हैं या नहीं। वहीं अब आंदोलनकारी शिक्षकों ने आज से आमरण अनशन भी शुरू कर दिया।
सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ बैठक की। इस बैठक में एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद एसोसिएशन की तरफ से बताया गया कि सरकार को एक ड्राफ्ट दिया गया है, इसमें जिलेवार निवेश को लेकर प्लान तैयार किया गया है। दरअसल अक्टूबर में उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है। इस समिट में 20,000 करोड़ रूपये के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। उत्तराखंड सचिवालय की सुरक्षा को अब और मजबूत किया जा रहा है। सचिवालय के बाहर एक आधुनिक बैरियर लगाया जा रहा है। इस बैरियर के जरिए सचिवालय आने वाले वाहनों को एक चिप नंबर से जोड़ा जाएगा। जिन वाहनों में चिप लगेगा उनके लिए सचिवालय का गेट आसानी से खुल जाएगा, जबकि जिन वाहनों में चिप नहीं लगा होगा उनकी सचिवालय में एंट्री नहीं होगी। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर खबर दिखाए जाने के बाद उत्तराखंड सरकार ने प्रियंका के इलाज में मदद करने का भरोसा दिया। दरअसल पिथौरागढ़ के धारचूला में रहने वाली प्रियंका सरकारी सिस्टम की बेरुखी का सामना कर रही है। प्रियंका 29 जुलाई को स्कूल से लौटते वक्त पहाड़ी से गिर गई थी। हादसे में उसके सिर पर गंभीर चोट आई। इलाज के लिए उसे हल्द्वानी रेफर किया गया था, लेकिन उसका इलाज देने में सभी अस्पताल आनाकानी कर रहे हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क के आसपास सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रिजॉर्ट को ले जाने के मामले में फिर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। पूरे मामले में कोर्ट ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते के अंदर अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश जारी किए। बागेश्वर में डीएम ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई जगह खामियां मिलने पर डीएम ने जिम्मेदार अफसरों को फटकार लगाई और जल्द से जल्द इंतजाम सही करने के निर्देश दिए। डीएम ने अस्पताल में फैली गंदगी पर भी नाराजगी जताई। इसके अलावा अस्पताल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र 15 दिन में शुरू करने के निर्देश दिए। श्रीनगर गढ़वाल में बांध प्रभावितों ने जीवी के कंपनी पावर हाउस पर हंगामा किया। प्रदर्शनकारी भी कई महीने से आंदोलन कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि जीवी के कंपनी ने बांध बनाने के लिए जमीन ली थी और कई वादे किए थे, लेकिन अब तक ना तो जमीन का मुआवजा मिला ना विस्थापन हुआ और कहीं किसी को रोजगार भी नहीं दिया गया। आक्रोशित लोगों ने जल्दी मांग पूरी न होने पर पावर हाउस पर ताला जड़ने की चेतावनी दी। नेपाल सीमा से सटे झूलाघाट के लोगों ने पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि इंटर कॉलेज झूलाघाट में शिक्षकों की भारी कमी है, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई में काफी दिक्कतें हो रही हैं। हालात इतने खराब हैं कि शिक्षक न होने की वजह से इस साल 11वीं में किसी छात्र ने एडमिशन ही नहीं लिया। भू माफिया और शराब माफियाओं के खिलाफ उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने अल्मोड़ा में धरना दिया। चद्यान पाटा में प्रदर्शन करते हुए पार्टी नेताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने कांग्रेस पर भी गंभीर आरोप लगाए। ऑल वेदर रोड परियोजना के निर्माण कार्य में लगी कंपनियों की एसडीएम और श्रम अधिकारी के साथ हुई बैठक में घोषणा की गई थी कि स्थानीय लोगों को निर्माण कार्य में रोजगार दिया जाएगा, लेकिन आरोप है कि बैठक के बाद कंपनी के जीएम ने शर्तों से इनकार कर दिया। लोगों ने अब कंपनी के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। टिहरी में करीब 1 महीने से धरना दे रहे HCC कंपनी के कर्मचारियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारियों का कहना है कि कंपनी प्रबंधन के अड़ियल रुख के चलते उन्हें भूख हड़ताल करनी पड़ रही है। आरोप है कि कंपनी प्रबंधन ने बिना नोटिस दिए ही कई कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया। चमोली में बारिश की वजह से बार बार लामबगड़ हाईवे बंद हो रहा है, जिससे बद्रीनाथ धाम आने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाईवे खुलने के इंतजार में यात्रियों को कई घंटे रुकना पड़ रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव में चयन के लिए जिला मुख्यालय से सर्वेक्षण के लिए एक रथ रवाना किया गया। यह रथ जिले के 200 गांवों का सफाई से जुड़ा डेटा तैयार करेगा। इन गांवों की श्रेष्ठ रैंकिंग के आधार पर भारत सरकार को भेजा जाएगा। वहीं जिले की सबसे साफ ग्राम पंचायत को जिला स्तर पर भी इनाम दिया जाएगा। सर्वे का काम 31 दिनों में पूरा किया जाना है।